हेलो एस्पायरेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द 247। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है उसमें हम यस्टरडे जो लास्ट डे हमारा गया है उसके सारी जो न्यूज़ हैं उस पर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको मैंने यहाँ पर सेट किया है। उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एस के शिव कुमार पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। देखो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है ये ओबिट्यूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एस के शिव कुमार जो है वो साइंटिस्ट हैं। अब देखो एस के शिव कुमार जो है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हमारे इसरो से। ठीक है, तो अब इसरो से वो रिलेटेड हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसरो का एक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसरो का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। इसके अलावा आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि इसरो के चेयरमैन कौन है। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इसरो के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, के शिवन है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है, आपको एस के शिव कुमार याद रखना है। वो क्या है, वो साइंटिस्ट हैं, किससे रिलेटेड है, इसरो से रिलेटेड है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, उसके चेयरमैन का नाम क्या है, के शिवन है। ठीक है, ये आप इमेज भी देख सकते हैं, ये इमेज जो है वो एस के शिव कुमार का है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे स्टैटिक अवेयरनेस में भी पूछा जा सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें आपसे पूछा जा रहा है रंगोली बिहू और बोहाग बिहू इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है कि ये फेस्टिवल जो है वो अभी न्यूज़ में चल रहा है, ये कौन से स्टेट का फेस्टिवल है। आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है। अभी आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर, और आपको लास्ट में यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि सारे क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर कर पाए, कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप करेक्ट कर पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी आसाम। ठीक है, तो रंगोली बिहू या बोहाग बिहू जो है वो फेस्टिवल कहाँ का है, आसाम का फेस्टिवल है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको एक चीज याद रख लेना है, आपको जहां पर भी आपको एक वर्ड दिख जाएगा बिहू, ठीक है, तो जहां पर भी आपको बिहू दिख जाएगा वहां पर आपको जो याद रख लेना है वो आपको आसाम याद रख लेना है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखनी, देखो आसाम जो है वो न्यूज़ में है, तो अब इससे रिलेटेड आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे इसके सीएम पूछे जा सकते हैं और आपसे गवर्नर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे चीफ मिनिस्टर पूछे जाएंगे तो आप बता देंगे सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है यहाँ के, जगदीश मुखी हैं। और अगर आपको पता हो यहाँ पर कि जगदीश मुखी जो हैं उनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया है एक स्टेट के गवर्नर का, तो कौन से स्टेट के गवर्नर का दिया गया है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर जो करेक्ट है वो है मिजोरम। ठीक है, तो जगदीश मुखी को एडिशनल चार्ज दिया गया है मिजोरम के गवर्नर का भी। ठीक है, तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग अवेयरनेस या बैंकिंग करंट अफेयर में रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इन फाइनेंशियल ईयर 2019 बैंक क्रेडिट ग्रोथ इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। ठीक है, तो बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो इंक्रीज हो गया है, तो आपको बताना है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। देखो क्रेडिट ग्रोथ क्या है हमारा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो एक यहाँ पर जो हमारे सामने टर्म आया है वो है क्रेडिट ग्रोथ। ठीक है, तो क्रेडिट ग्रोथ का मतलब क्या है, यानी मनी का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, यानी जो हमारे जो लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हमारे जो बैंक जो लोन प्रोवाइड करते थे पहले कम लोन प्रोवाइड करते थे, ठीक है, लेकिन वो जो अमाउंट है अब इंक्रीज हो चुका है, अब बैंक ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी 13.24% जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये आपको जो नंबर है वो याद रख लेना है। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका एक जो क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे क्वेश्चन जो होंगे करंट अफेयर के वो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। ओबिटोरी से क्वेश्चन किया हमने स्टैटिक का क्वेश्चन भी देख लिया, और ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये है हमारा स्पोर्ट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हर्षिल दानी। ठीक है, सो हर्षिल दानी आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों आया, देखो हर्षिल दानी के बारे में मैंने क्यों बात की यहाँ पर, क्योंकि वो अभी न्यूज़ में चल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक टाइटल जो है वो जीत लिया है, और आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है वो कौन सा टाइटल जीता है और वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी बैडमिंटन। ओके, सो हर्षिल दानी जो है वो किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो उन्होंने जो टाइटल जीता वो है डच। ठीक है, सो डच में एक इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी जिसका टाइटल जो है वो हर्षिल दानी ने जीत लिया है, इसलिए वो अभी न्यूज़ पे थे। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर
तो ये आप इमेज देख सकते हैं, ये अर्शिल दानी है, इनका इमेज भी आपके सामने है। यहाँ पर मूव करते हैं आज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपसे वेन्यू पूछा जा रहा है। देखो, कोई भी अगर समिट होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, फेस्टिवल है, कुछ भी है, तो उसका वेन्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 8th एडिशन ऑफ होम एक्सपो इंडिया 2019 बिगिन इन विच इंडियन सिटी। ठीक है, तो हमारा जो होम एक्सपो है, होम एक्सपो का मतलब क्या होता है, इसमें जो फोकस किया जाता है वो किस पर फोकस किया जाता है, इसमें कुछ डेकोरेशन वगैरह पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो हमारे होम एक्सपो में एक्चुअली होता क्या है, डेकोरेशंस के बारे में बातें होती हैं, फर्नीचर के बारे में बातें होती हैं। ठीक है, सो डेकोरेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारा हुआ था होम एक्सपो 2019 में। इसका जो वेन्यू है वो है ग्रेटर नोएडा। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ग्रेटर नोएडा है। ये आप पूरा इमेज भी देख सकते हैं, होम एक्सपो इंडिया। ठीक है, सो ये कब से कब तक चला था, ये सब कुछ आपको इमेज में दिख रहा होगा। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम बैंकिंग करंट अफेयर। से बैंकिंग करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच बैंक लॉन्च्ड NRI इंस्टा ऑनलाइन पेपरलेस अकाउंट फैसिलिटी। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारे NRIs हैं यानी जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें उनको अपना KYC भी नहीं करवाना पड़ेगा और वो अपना डायरेक्टली अपना बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, सो ये कौन से, ये बैंक ने शुरू किया है, किस बैंक ने लॉन्च किया है, आपको बताना है ABCD ऑप्शन में से। और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है IDBI बैंक। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। अब देखिए क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर एक बैंक आ गया है। ठीक है, क्या बैंक आया, हमारे पास IDBI बैंक आया है। तो अब देखो, IDBI बैंक जो है, मैं बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है इस टाइम पे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट थिंग उनको, उसको क्या बना दिया गया, एक प्राइवेट एंटिटी बना दिया गया है। सेकेंड थिंग, उसका जो 51% स्टेक है वो किसने खरीद लिया है, LIC ने खरीद लिया है ना। तो IDBI का 51% स्टेक जो है वो LIC ने खरीद लिया है। दोनों ही चीज़ें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे एक और क्वेश्चन, अगर आपको पता है कि वो न्यूज़ आ गई है यहाँ पर NRI इंस्टा ऑनलाइन, तो वो भी आपको याद रख लेना है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है एक अपॉइंटमेंट। देखो, आपको पता होगा सारे ही मिक्सअप क्वेश्चन है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है पैलेस्टाइन के, वो चेंज हो गए हैं, और आपको बताना है इन ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर है। ओके, सो आप यहाँ पर पैलेस्टाइन से रिलेटेड ये क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। इससे रिलेटेड आप बता सकते हैं कि वहाँ के पैलेस्टाइन की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट का क्या नाम है। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी मोहम्मद इश्तिया जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कहाँ के, पैलेस्टाइन के। ओके, सो साथ में आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा पैलेस्टाइन की कैपिटल क्या है, तो आप बता देंगे रमाला जो है, या फिर बोला जाता है जेरूसलेम। ठीक है, तो ये दोनों ही जो हैं वो क्या हैं, कैपिटल हैं, किसके, पैलेस्टाइन के कैपिटल हैं। अब यहाँ पर आपको मुझे कमेंट करके बताना कि प्रेसिडेंट कौन है पैलेस्टाइन के। ठीक है, सो प्रेसिडेंट जो हैं वो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पर एक टर्म की बात होने वाली है जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक कमिटेड टू प्रोवाइड हाउ मैनी बिलियन सोवरेन लोन्स टू इंडिया। अब देखो, आपको पहले यही नहीं पता होगा कि सोवरेन लोन्स हमारे क्या होते हैं, तो आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। सोवरेन लोन्स क्या होते हैं, मान लीजिए कोई बाहर की कोई कंट्री है, वो हमारी इंडिया जो है उसको लोन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो अब वो कैसे लोन प्रोवाइड कर रही है, वो खुद की ही करेंसी में लोन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो जो लोन फॉरेन करेंसी में प्रोवाइड किए जाते हैं, ओके, और फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सोवरेन बॉन्ड्स भी बोल देते हैं और सोवरेन लोन्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन याद रख लेना है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 बिलियन। ठीक है, सो जो 3 बिलियन अमाउंट है वो आपको यहाँ पर याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और जो पॉइंट है आपको स्टैटिक अवेयरनेस का यहाँ पर जो याद रखना है वो क्या है, देखो मैंने आपको बताया हुआ है काफ़ी बार कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, वो क्या है, ADB है। ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ADB जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसका, मनीला फिलीपींस में है। तो मनीला फिलीपींस जो है वो हेडक्वार्टर है किसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और इसके जो हेड हैं उनका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सो ये वाला जो है वो आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पर मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये कंपनी से रिलेटेड है, गूगल से रिलेटेड क्वेश्चन है. और आपको पता है गूगल जब भी कोई ऐप लॉन्च करता है, कोई भी स्कीम लॉन्च करता है, कुछ भी लॉन्च करता है, तो वो क्वेश्चन आपसे बैंक एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछा जाता है. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, गूगल ओपन इट्स फर्स्ट अफ्रीकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब इन विच कंट्री. ठीक है, तो अफ्रीकन कोई कंट्री है जहाँ पर गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब जो है उसको लॉन्च किया है. यहाँ पर आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से बताना है वो करेक्ट आंसर क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी घाना. ओके, सो आपको याद रख ले, घाना एक अफ्रीकन वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर गूगल ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब जो है उसको लॉन्च किया है. अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर एक बात हो गई है, किसी कंट्री की बात हो गई है. कौन सी कंट्री है? वो है घाना. ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, घाना की कैपिटल करेंसी जो है आपको यहाँ से पता होना चाहिए. तो घाना की जो कैपिटल है वो है एक्रा और करेंसी जो है वो है सेडी. ठीक है, तो घाना क्रिसडी भी बोल देते हैं इसको, तो वो क्या है, इसकी करेंसी है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर याद रख लेनी है. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, सो ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर. हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ टीम इंडिया एट द स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप. ठीक है, तो चाइल्ड वर्ल्ड कप है, चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप जो है, वहाँ पर एक गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं. आपको बताना है इनमें से क्या करेक्ट आंसर है ए बी सी डी ऑप्शन में से. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी मिथाली राज. ओके, सो मिथाली राज जो है उनको बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर यहाँ पर. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पर आप अगेन देखेंगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है. देखिए आपके पास जो दो ऑप्शन हैं अभी वो क्या हैं, करंट अफेयर जो आपको अपना तैयार करना है वो एसबीआई पीओ के लिए तैयार कर रहे होगे अभी आप. ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, एसबीआई क्लर्क है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ वो सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे बैंक एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो आजकल करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं ना वो सारे बैंकिंग अफेयर से पूछे जा रहे हैं, यानी बैंक से रिलेटेड न्यूज़ पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक अवॉर्डेड द सेलिनेट मॉडल बैंक 2019 अवार्ड. ठीक है, तो सेलिनेट जो मॉडल बैंक 2019 अवार्ड है वो कौन से बैंक को दिया गया है, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया है, ये आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से. अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका स्टैटिक अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं इन सारे बैंक से स्टैटिक फैक्ट्स भी. ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर जो आपके लिए आना चाहिए था ये ए यू आना चाहिए था. ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है. ठीक है, तो ए वी लिखा हुआ था बी ऑप्शन में, जो क्या होना चाहिए था ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक होना चाहिए था. ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो हैं वो आप एम डी बता सकते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो बता सकते हैं. ठीक है, तो राजीव यादव जो हैं वो एम डी हैं किसके, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के. हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड अ लैब. ठीक है, उन्होंने एक लैब लॉन्च की है बैंकिंग सेक्टर को हेल्प करने के लिए. ठीक है, बैंकिंग सेक्टर को किस तरीके से हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन में. ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. देखो काफ़ी जो लोग होते हैं, आपको पता है इंडिया में अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट तक नहीं है, और वो ज़्यादातर लोग कहाँ पर, हमारे रूरल एरियाज़ में हैं. ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन एम क्या है, हर एक पर्सन को बैंकिंग से जोड़ना. ठीक है, तो उनका मेन एम है, उसी के लिए एक लैब लॉन्च की गई है. तो उस लैब में से आपको बताना है क्या वो 5G है, 2G है, 3G है या फिर 4G लैब है. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी 5G. ठीक है, तो IGRBT आपको याद रख लेना है, उसके साथ आपको लैब याद रखना है कौन सा लैब है, वो 5G लैब है. ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, सो यहाँ पर आपके सामने एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है. यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ने पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए इंडिया को कितना अमाउंट प्रोवाइड किया है. ठीक है, तो कितना अमाउंट जो प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस और इंडिया के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है पीस कीपिंग एक्सरसाइजेस के लिए, ऑपरेशंस के लिए, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 38 मिलियन. सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है वो 38 मिलियन है. अब देखो यहाँ पर मैं अगेन आपको बता रही हूँ, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आया, जैसे मैंने आपको यहाँ पर किसके बारे में बताया था, ADB के बारे में बताया था. अब आपके लिए ये अगेन होमवर्क है कि आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. ठीक है, उसके हेड कौन है. ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
ओके यहाँ पर एक ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछे जा रहे हैं. देखो ब्रांड एम्बेसडर मोस्टली कहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कोई भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है वो आपसे पूछ लेगा. या तो कोई एक्टर, ठीक है, कोई फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कोई पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन तो रेयर चांसेस होता है, या फिर कोई क्रिकेटर है. अगर वो एम्बेसडर बनाए जाते हैं तो आपको वो याद रख लेना है. यहाँ पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेड बस. ठीक है, तो रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर कौन से क्रिकेटर बन गए हैं ये आपको यहाँ पर बताना है. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी MS धोनी. ठीक है, सो MS धोनी जो है वो रेड बस जो है उसके क्या बन गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं. ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेनी है. अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप सेशन को यहाँ पर लाइक कर सकते हैं. मूव करते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन पे. ओके, सो ये आपका फाइनल क्वेश्चन है. अगेन क्वेश्चन किससे आया, किसी एक बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आया आपके सामने. ठीक है, तो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, वो सारे किससे रिलेटेड हैं, मोस्टली बैंक से ही रिलेटेड हैं. यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो पंजाब नेशनल बैंक के अपॉइंट किए गए हैं. आपको बताना है ABCD ऑप्शन में से उसका क्या नाम है, उनका क्या नाम है. ओके, सो यहाँ पर एक और चीज़ जो है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि PNB जो है उसके MD CEO कौन है. ठीक है, PNB के MD CEO बताना है आपको, हेडक्वार्टर बताना है और टैगलाइन भी बताना है. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी राजेश यदुवंशी. ओके, सो राजेश यदुवंशी यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं, वो क्या बन गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं पंजाब नेशनल बैंक के. ओके, सो दीज वर टोटल 15 क्वेश्चन. आज के सेशन में हमने कितने क्वेश्चन देखे, हमने 15 क्वेश्चन देखे. आपको क्या बताना है मुझे कमेंट करके कि इन 15 क्वेश्चन में से आप कितने जो क्वेश्चन है वो ठीक कर पाए हैं, आपके 15 में से कितना स्कोर रहा है. क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन थे वो लास्ट के डे से थे. ठीक है, तो लास्ट जो भी हमने न्यूज़ कवर करवाया था आपको उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेट किए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको डेली बेसिस पे ये सेशन देखना है, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपके करंट अफेयर प्रिपेयर करने में. ओके, सो करंट अफेयर अगर आप डेली बेसिस पे यहाँ से देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बैंक में ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा. ओके, सो थैंक यू सो मच. और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और शेयर कर सकते हैं आप सेशन को.